हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चल रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट कवर अप कर लिए हैं, कूलम्स लॉ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है, गॉस लॉ और गॉस लॉ के एप्लीकेशन कंप्लीट किए हैं पिछले वीडियोज में। अब यहाँ पे बात करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो कि गॉस थ्योरम से पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये तो कम से कम आने ही आने चाहिए, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक न्यूमेरिकल जो कि फॉर्मूले बेस्ड है और इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर। तो अगर मैं क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। इफ द रेडियाई ऑफ ए एंड बी इज नेजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो हमें क्या निकालना है इसमें, सबसे पहले हमें चेक करना है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ द ईच स्पेयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। तो पहले पार्ट में क्या करना है, सॉल्यूशन। तो पहले गिवन क्या क्या है और पूछा क्या, उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। आर की वैल्यू जो हमारे पास डिस्टेंस के टर्म में दी गई है, वो हमारे पास दी गई है दैट इट विल बी क्यू ए एंड क्यू बी की वैल्यू जो दी गई है, चार्ज ऑन ए इज इक्वल टू चार्ज ऑन बी, मतलब कि दोनों की वैल्यू इक्वल बताई हुई है ना यहाँ पे 6.5 × 10⁻⁷। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई वो चार्ज की कितनी दी गई है, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। चार्ज पता चल गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 50 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमें निकालना क्या है, म्यूचुअल फोर्स निकालना है, लेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू ए क्यू बी अपॉन 4 pi epsilon naught r square। तो जनरली हमारे पास क्या अप्लाई किया गया है, ये कूलम्स लॉ है। तो कूलम्स लॉ यही होता है, याद होगा। तो कूलम्स लॉ के टर्म में क्या यूज कर रहे हैं, हम फोर्स निकाल रहे हैं, क्यू ए और क्यू बी की वैल्यू पुट करो, 4 pi epsilon naught की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे एंड वी विल गेट द फोर्स। वैल्यू को पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा वैल्यू। तो यहाँ पे ये वैल्यू याद ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है। 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर समथिंग, ठीक है। तो ये याद रखना है। दूसरा यहाँ पे वैल्यू क्यू ए मिल गया, आर मिल गया, क्यू ए दिया, क्यू बी दिया, 4 pi epsilon naught पता चल गया। अब एफ निकाल लेते हैं, वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻⁵ × 6.5 × 10⁻⁴² क्यों, क्योंकि दो चार्जेस हैं तो एक चार्ज के लिए ये वैल्यू दोनों के लिए इक्वल है ना, तो डबल कर दूंगा इसका, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर भी कर सकते हो या तो दो बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। −4 डिवाइड किससे करना है, आर से। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 0.50 सेंटीमीटर को चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर को चेंज करोगे मीटर में तो कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लो उसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ हमारे पास आ जाएगा, इट विल कम एज 1.52 × 10⁻²⁰ न्यूटन। हमारा क्या निकला है, फोर्स निकला है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यू ए दिया है, क्यू बी दिया है, 4 pi epsilon naught की वैल्यू रखो, फॉर्मूले में पुट करो एंड वी विल गेट द फोर्स। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्पेयर चार्ज डबल। अगर मैं चार्ज को यहाँ पे डबल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर चार्ज डबल हो जाएगा एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, तो बी वाले पार्ट में देखो क्या है, बी वाले पार्ट में मेरे पास जो आर है वो हाफ हो गया, मतलब कि 0.5 का हाफ कितना हो जाएगा, इट विल बिकम एज 0. को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर। तो ये हाफ हो गया। और क्या कह रहा है कि चार्जेस डबल हो गए, चार्जेस को क्या कर दिया गया, चार्जेस को हम लोगों ने डबल कर दिया। नाउ चार्ज को अगर डबल करेंगे तो हमारे पास क्यू ए और क्यू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बिकम एस। तो अगर मैं चार्जेस को डबल कर दूं तो यहाँ पे चार्जेस क्यू ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, क्यू बी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस अ टाइम मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 6.5 × 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बिकम, तो हमारे पास जो चार्ज बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1.3 × 10⁻⁶ कूलम। तो ये हमारे पास क्या है, नया चार्ज और नया आर दिया हुआ। अब इस पे फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स कितनी आएगी, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो सेम उसी फॉर्मूले में, वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं सेम उसी फॉर्मूले में,
तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ए क्यू बी, चार्ज वन चार्ज टू ही है वो, बस नाम दे रखा है क्यू ए क्यू बी, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लो, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 9 × 10⁻⁹ q a q b की वैल्यू कितनी आई है। अब यहाँ पे q a q b की वैल्यू दो टाइम रखनी है तो अलग अलग भी लिख सकते हो, एक ही में लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं एक ही में उसको स्क्वायर कर दे रहा हूँ, 10⁻⁶ का स्क्वायर, मतलब कि ट्वाइस चार्जेस, q a और q b दोनों इक्वल है ना, डिवाइड कर लो 0.25, कितना आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.243 न्यूटन, 0.243 न्यूटन। तो ये मेरे पास अप्रोक्स वैल्यू आई है, तो एफ की मेरी जो अप्रोक्स वैल्यू आई है कितनी आई है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर, और ये क्या होगा, पहले वाले का आंसर। दोनों फॉर्मूले में एक ही क्वेश्चन अप्लाइड हुआ है, बट यहां पे ध्यान देना कि इस वाले में आर हाफ हो गया है और क्यू यहां पे क्या हो गया, डबल। तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, पॉइंट चार्जेस ऑफ +10 µC इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है, ठीक, वो हमारे पास 10 µC का इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ, मतलब कि 5 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब कि डायग्राम में यहाँ पे देखो, जहां 5 सेंटीमीटर बना हुआ है उसी के जस्ट ऊपर रखा हुआ है, उसी के ऊपर जस्ट मैंने क्या रखा है, चार्ज रखा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर, मतलब कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा बना होगा, एक मिनट डायग्राम दिखाता हूं, सी, तो अगर मैं कह दूं कि ये स्क्वायर का फेस है और उससे 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव नेचर का है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना फ्लक्स पास होगा इस स्क्वायर में, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में रिलीज होगी ना, तो उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसको हमें क्या करना है, गेट करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या करनी है, गेट करनी है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले गिवन चीजें लिख लेते हैं, डायग्राम समझ में आ गया ना, डायग्राम फिर से एक बार कह देता हूं कि एक स्क्वायर के जस्ट 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी उसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हिंट दी हुई है, द स्क्वायर ऑफ एज वन फेस ऑफ अ क्यूब विद एज 10 सेंटीमीटर। अगर मैं एक स्क्वायर के साइड को क्या मान लेता हूँ, एज मान लेता हूँ क्यूब का, तो मैं इसको उससे सॉल्व कर सकता हूं। तो देखो सोल्यूशन क्या है डायग्राम, तो यहाँ पे पहले गिवन चीजें लिख लेते हैं, तो गिवन हमारे पास क्या है, सी, तो गिवन है हमारे पास चार्जेस की वैल्यू। अब यहाँ पे चार्ज कितना दिया हुआ है, दैट इज योर पॉइंट चार्ज है, तो हमारे पास जो चार्ज दिया हुआ है वो हमारे पास है, दैट इज क्यू इक्वल टू 10 µC। चेंज कर लेते हैं उसको कूलम में, तो कूलम में जब चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, दैट विल बी 10 × 10⁻⁶ कूलम। कूलम में चेंज कर दिया इसको। अब दूसरा क्या दिया हुआ है हमारे पास, दूसरा हमारे पास कह रहा है कि जो स्क्वायर है साइड का 10 सेंटीमीटर, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो फाइ इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। पर मुझे यहाँ पे जनरली अभी निकालना क्या है, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स जो स्क्वायर है स्क्वायर के साइड से निकालना है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ अ क्यूब विद 10 सेंटीमीटर एज। तो अगर मैं इस स्क्वायर को एक क्यूब का फेस मान के चलूंगा, तो मेरे पास क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, तो मेरा जो टोटल फ्लक्स आएगा वो 6 फेसेस के वजह से आएगा, दैट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल जो मेरा फ्लक्स आएगा वो कहां से आएगा, टोटल फ्लक्स जो आएगा वो इस फॉर्मूले से आएगा। बेसिक फॉर्मूला ये होता है, टोटल फ्लक्स के लिए क्या अप्लाई करेंगे, 1/6 × q × ε₀। अब परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 8.854 × 10⁻¹². वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, q पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू 1/6। 1/6 क्यों किया गया है, क्योंकि हम लोगों ने अपने स्क्वायर को एक क्यूब का फेस मान रखा है, तो इस वजह से हम वहां पे हम लोग वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻⁶ कूलम अपॉन 8.854 × 10⁻¹². सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये सॉल्व कर लेते हैं तो इट विल बिकम, फ्लक्स हमारे पास जो आएगा
1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। ये मेरे पास क्या आ गया, फ्लक्स जो इससे एरिया से पास होगा। बहुत बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे तुम्हें अगर फॉर्मूला नहीं पता तो क्वेश्चन समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और हिंट का यहाँ पे यूज करना, क्यू यहाँ पे दिया हुआ है, पहले क्यू को चेक करेंगे, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू को माइक्रो कूलम्ब से कूलम्ब में चेंज करेंगे। देन फ्लक्स का फॉर्मूला ध्यान रखना है कि फाई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आफ्टर डेट कह रहा है कि वो एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए 1/6, मतलब कि अगर मैं उसको क्यू मान लेता हूं तो हर फेसेस का जो एरिया होगा वो कितना होगा, डेट विल बी 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स 6 साइड से निकालना है मुझे, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और फॉर्मूले में जब वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स कितना आ जाएगा, 1.88 × 10⁻¹⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो नेक्स्ट, अब यहां पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास निकालना है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या क्या है, पहले उसको चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है दैट इज योर डायमीटर, तो क्वेश्चन में लिख लो पहले क्या क्या गिवन है सॉल्यूशन। अब गिवन हमारे पास है डायमीटर किसका, स्फीयर का, तो डायमीटर डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.4 मीटर। आफ्टर दैट चार्ज डेंसिटी दी गई है, अब चार्ज डेंसिटी हम लोग स्फीयर की किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, तो सिग्मा इक्वल टू क्या है, मैं लिख देता हूं चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ओके, तो चार्ज डेंसिटी को हम लोग शो कर रहे हैं किससे, सिग्मा से, थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू 80.0 माइक्रो कूलम मीटर स्क्वायर दिया। अब टोटल चार्ज हमें निकालना है, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर। तो पहला पार्ट क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr², क्योंकि हमारे पास एरिया कितना होता है। अच्छा, ये वो वाला फॉर्मूला है q इक्वल टू जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना टोटल चार्ज निकालने के लिए, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी पे फॉर्मूला क्या होता है, q इक्वल टू या कैपिटल q कह लो, q इक्वल टू दैट विल बी सिग्मा इंटू एरिया qa और सिग्मा a। तो q इक्वल टू टोटल चार्ज हमारे पास जो होंगे वो कितने होंगे, सिग्मा इंटू 4πr² से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करेंगे इसको पहले माइक्रो कूलम से कूलम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 80.0 × 10⁻¹⁶। तो ये हो जाएगा, मेरे पास जीरो हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, 80 × 10⁻¹⁶ कूलम, ये कूलम में चेंज कर दिया। कूलम में चेंज करने का बहुत सिंपल सा फंडा है, 10⁻¹⁶ कूलम लगा दो, वो माइक्रो कूलम से कूलम में चेंज हो जाएगा, वैल्यू को पुट कर दो, तो सिग्मा हमारे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू हो गई 80 × 10⁻¹⁶ इंटू 4 पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 3.14 और आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे 2.4 का जस्ट आधा कर दो तो रेडियस कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1.2, हमारे पास कितना हो जाएगा ये 1.2 मीटर। ठीक है, डायमीटर का जस्ट आधा होता है ना रेडियस, वैल्यू को पुट कर लो, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 80 × 10⁻¹⁶ 4 × 3.2 का स्क्वायर। तो 1.2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लो तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1.4, एक मिनट, हाँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.447 × 10⁻³ कूलम। ये हमारे पास क्या आ गया, चार्ज। तो पहला पार्ट क्या पूछ रहा था, फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर, तो टोटल चार्जेस हमारे पास स्फीयर पे कितने हैं, ये तो ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट पे चलते हैं, बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रही है वो कितनी हो रही है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे अप्लाई कर दो, क्यू दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, वैसे पेपर में दी रहती है, याद करने की जरूरत नहीं है, 8.854 × 10⁻¹² न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर और मीटर इनवर्स टू। वैल्यू को सब्सिट्यूट कर लो, वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, फ्लक्स।
तो फ्लक्स की वैल्यू के लिए क्यू कितना आया है, 1.4 इंटू 1.4487 इंटू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से, मतलब कि 8.8854 इंटू 10 to the power -12 से इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लो, डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास डेट इज 1.63 इंटू 10 to the power 8 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स जो कि पास होगा उससे। तो ये फ्लक्स निकल आया। अब क्वेश्चन में पहले पूछा था चार्ज, चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या लगाया गया है, क्यू इक्वल टू सिग्मा ए एन, उसके बाद फ्लक्स का फॉर्मूला जो फाई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट, अब थिन स्पेरिकल शेल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थिन स्पेरिकल शेल है, मेटल हैज अ रेडियस ऑफ 0.25 मीटर एंड कैरियर्स ऑफ चार्ज ऑफ 0.2 माइक्रो कूलम, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड द सेल, जस्ट आउटसाइड द सेल एंड तीसरा 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल। अब ये वही वाला क्वेश्चन है जो स्पेयर के लिए निकाला था ना, डेरिवेशन की थी कि एक स्पेयर है उसके सरफेस के अंदर कितने चार्जेस होंगे, सरफेस के ऊपर कुछ चार्जेस हैं, तो यहां पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी थी, तो वो वाली डेरिवेशन जैसा ये क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग में होगा तो ये क्वेश्चन रिकॉल हो रहा होगा कि वो कैसे करना है। अब पहला पार्ट पूछ रहा है कि इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बता चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसी भी सेल के लिए कितना रहता है, कंडक्टिंग टाइप के लिए, कंडक्टिंग टाइप के लिए जो मेरे पास चार्जेस के लिए रहता है वो हमारे पास क्या रहता है, जीरो। तो पहला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज सेल इज जीरो, इनसाइड अ चार्ज्ड सेल इज जीरो। ओके, तो वो कितना हो जाएगा, जीरो, पहला खत्म हो गया। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मेरे पास वैल्यू होगी उसके बराबर, तो अगर मैं यहां पे गिवन लिख लेता हूं जस्ट आउटसाइड द सेल, क्या पूछ रहा है कि जस्ट आउटसाइड द सेल हमारे पास कितना होगा, तो जस्ट आउटसाइड द सेल जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा इक्वल टू, अगर मैं आउटसाइड द सेल की बात करता हूं तो वो मेरे पास बन जाएगा, दैट इज वैल्यू को पुट कर लेते हैं पहले, तो वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.2 माइक्रो कूलम। तो पहले गिवन लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें गिवन पता क्या क्या है, 0. चार्जेस कितने दिए हुए हैं, क्यू इक्वल टू 0.2 माइक्रो कूलम को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किसमें चेंज हो गया, कूलम में। अब कूल चार्ज पता चल गया, दूसरा क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है आर, आर कितना दिया हुआ है 0.25 मीटर, पहले से मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4π ε0 q/r² सॉल्व कर लो इसको, तो 1/4π ε0 की वैल्यू 9 × 10 to the power 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the 0.2 × 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय 0.25 का होल स्क्वायर। तो अप्लाई कर लेते हैं इसको, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2.88 × 10 to the power 4 न्यूटन कूलम इनवर्स, अच्छा एक मिनट थोड़ा इसको सही से लिख देता हूं, इंटू 10 to the power 4 न्यूटन कूलम इनवर्स, एक मिनट ये थोड़ा सा स्क्रीन दिक्कत कर रहा है, एक मिनट, 2.88 × 10 to the power 4 न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द सेल। तीसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, अगर वो 0.3.0 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल से रखा होगा, अगर वहां पे वैल्यू आर की चेंज हो जाएगी, अगर मेरे पास तीसरा आर चेंज हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0.3.0 के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं यहां पे आर को चेंज कर दूं तो आर चेंज हो जाएगा मेरे पास, आर इक्वल टू कितना है मेरे पास 3.0 मीटर। अब आर की वैल्यू यहां पे 3.0 मीटर हो जाएगी तो क्या होगा, ई की वैल्यू पे आर को रिप्लेस कर दो सिर्फ, और फॉर्मूले में सेम टू सेम उसी में पुट करना, यहां पे आर की वैल्यू कितनी होगी 3.0 मीटर, पुट कर लो, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 10 to the power 9 मल्टीप्लाइड बाय, चार्ज तो वही रहेगा ना 10 to the power -6 और
डिवाइड कर लेंगे किससे, 3.0 का होल स्क्वायर से। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा 200 न्यूटन कूलम इनवर्स। ये मेरे पास क्या आ गया, अगर वो 3.0 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सेल से, मतलब कि वो सेंटर ऑफ सेल से अगर वो कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 3.0 पे रखा है, तो क्या होगा, तो ये मान लो यहां से आर की डिस्टेंस कितनी गई है, 3.0 मीटर। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0.5 फ्रॉम अ इंफिनिटी लॉन्ग लाइन चार्ज हैविंग अ लीनियर चार्ज डेंसिटी 3.6 इंटू 10^3 वोल्ट मीटर इनवर्स डेट विल बी। अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखो अब मुझे यहां पे निकालना क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, तो पहले गिवन लिख लेते हैं सॉल्यूशन, तो पहले गिवन लिख लो उसका। तो गिवन क्या क्या है, गिवन में हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मुझे निकालनी है ऑन द अर्थ सरफेस के लिए। तो अगर मैं एक मिनट, ये क्वेश्चन था ना, हाँ ठीक है। तो इंटेंसिटी के लिए मेरे पास डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डी, तो डी हमारे पास क्या दिया है, सॉल्व कर लेते हैं पहले इसमें वैल्यू को। तो ई निकालना है मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये फॉर्मूला अगर याद होगा किस केस में कराया था, तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो रिकॉल करा देता हूं। जब मेरे पास कोई स्फेयर होता है अर्थ का, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमारे पास क्या है कि एक मेरे पास लाइन है, तो लाइन के लिए मेरे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को। अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को इधर भेज दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड को उधर ले लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करने में आसानी होगी, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्वल टू ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये मेरे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। E कितना दिया हुआ है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी दी हुई है, 3.6 इंटू 10^3 3.6 × 10^3 मल्टीप्लाई कर लो 2 पाई, 2 पाई से कितना हो जाएगा 3.14 इंटू, एक मिनट, यहां पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है ना, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करना है ना इसको, तो यहां पे एक मिनट देखो, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, इट विल बी 4.5 इंटू 10^9 और आर की वैल्यू कितनी है यहां पे 0.5। यहां पे लिख लो चाहो तो कि यहां पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी रखी गई है, 1/4 पाई इंटू 10^9 ये इसकी वैल्यू होती है। तो चाहो तो इसको याद रख लो, तो यहां पे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.4 इंटू 10^-6 सेंटीमीटर इनवर्स। सॉल्व कर लेंगे इसको और थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 0.4 माइक्रो कूलम पर मीटर। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो यहां पे हमसे क्या पूछा गया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितनी आई है, डेट इज योर लैम्डा इक्वल टू 0.4 माइक्रो कूलम पर मीटर। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक चीज नोटिस की कि फॉर्मूले सीधा यहाँ पे डायरेक्टली यूज हो रहा है, और ये क्वेश्चन आईएससी का 2017 का क्वेश्चन है, ये 2017 में आ चुका है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तेरे को 2 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को करने में, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी कि तुम्हें फॉर्मूले को याद कर रखना ही पड़ेगा, डिराइव करने के लिए कोई मेथड नहीं है, या तो पूरी तुम डेरिवेशन फिर से करो और उसके लिए सोचो, तो उतना पॉसिबल नहीं है, सीधा सीधा वैल्यू में तुम उसको रखो क्या निकाल सकते हैं लैम्डा। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द अर्थ सरफेस बी 300 पूछ रखा है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अगर गिवन मेरे पास दिया हुआ है कि अर्थ के सरफेस पे मेरे पास कितना है 300 वोल्ट मीटर पर इनवर्स डाउनवर्ड्स, व्हाट इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ अर्थ सरफेस, मेरे पास सरफेस डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अर्थ के सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो ये जनरली किसके लिए बात हो रही है, स्पेयर वाले केस के लिए। तो स्पेयर अर्थ का जो शेप है स्पेरिकल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्पेरिकल के लिए निकालनी होती है तो कितना होता है शेल के लिए, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा इक्वल टू यहाँ पे मुझे निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मुझे निकालनी है
फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को सब्जेक्ट बना लो और ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ई कितना दिया हुआ है 300, और हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 8.85 × 10⁻²। पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.85 × 10⁻²। सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो उसको, तो 2.65 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर आएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर, मतलब कि एक सरफेस चार्ज डेंसिटी अर्थ के सरफेस पे इस क्वेश्चन के लिए कितनी आएगी, 2.65 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई वैल्यू। तो यहां पे देख लो फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, तुमसे ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन फ्रेमिंग के तुम्हारे पास जो फॉर्मेट बन सकते हैं वो एक बार डिस्कस कर लेता हूं। तो जो तुम्हारे पास क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं वो देख लो, क्वेश्चन फ्रेम हमारे पास हो सकते हैं किस तरीके से हो सकते हैं उनके टाइप समझा देता हूं। तो पहला टाइप हो सकता है कि वो तुमसे सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा पूछ सकता है, या तो तुमसे सिग्मा निकालने के लिए पूछ सकता है, या तो तुमसे वो रो निकालने के लिए पूछ सकता है। तो वो तीनों तुम्हें फॉर्मूले याद रखने कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, चार्ज डेंसिटी वाले क्वेश्चंस क्या है मेरे पास इंपॉर्टेंट है। तो चार्ज डेंसिटी तुम्हें कॉन्सेप्ट के टर्म में अच्छे से आनी चाहिए, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा तुमसे क्या पूछ सकता है, फ्लक्स निकालने के लिए, ये तो बहुत ईजी है, फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कभी क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्यू दिया होगा, एप्सिलॉन नॉट दिया होगा, फ्लक्स निकालना होगा, कभी तुमसे पूरा पूरा क्या पूछ सकता है, या तो तुमको इसका अपोजिट पूछ सकता है, क्यू इक्वल टू फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये भी पूछ सकता है तुमसे। तो यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के चार्ज डेंसिटीज पे क्वेश्चन आ सकते हैं, फ्लक्स के लिए आ सकते हैं, या तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता ही है, 1/4πε₀Q/r² ये पूछ सकता है तुमसे। क्वेश्चन फ्रेम करने के तरीके उनके बदल सकते हैं, बट फॉर्मूले अगर तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो तुम्हारे हो जाएंगे। तो जितने डेरिवेशन मैंने पीछे अच्छे से बताई हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेना, और उस पे एक एक क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो मोर देन सफिशियंट हो जाएगा वो, क्योंकि तुम्हें ये तो पता रहेगा ना कि फॉर्मूले पे अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन, तो ये चीज तुम्हें हेल्प करेगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू।